हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे डिस्पेनिया के बारे में, यानी कि जिसे हम सांस फूलना भी कहते हैं, और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस। बहुत से लोग गलतफहमी के कारण डिस्पिनिया को दमा का रोग समझ लेते हैं, लेकिन डिस्पिनिया और दमा में बस थोड़ा सा ही फर्क है। यह बात तो आप सबको पता ही होगी कि दमा के केस में व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, और अगर व्यक्ति की सांस फूल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे दमा ही है। इसमें सांस फूलने के दो कारण होते हैं। ओल्ड एज के लोगों को बारिश के मौसम में सांस की नली में पुराने जुकाम जैसे रोगों के कारण होता है। दिल की धड़कन का काफ़ी तेज चलने के कारण भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे डिस्पिनिया में यूज़ की जाने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। ओल्ड एज में जो व्यक्ति बारिश के मौसम में सांस की नली में पुराने जुकाम के कारण या क्रोनिक कफ या कोराइजा के कारण डिस्पिनिया है, तो सल्फर की 30 पावर 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम देने से बहुत ही जल्द आराम मिलता है। हमारी सेकेंड मेडिसिन है स्नेगा। डिस्पिनिया के पेशेंट के चेस्ट में बहुत ज़्यादा बलगम जम जाता है, सांस लेने में रुकावट होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, छाती में ऐसा महसूस होता है कि अंदर से धड़ धड़ की आवाज़ आ रही हो, तो इस केस में स्नेगा बिल्कुल ना भूलें। इसकी 30 पावर 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर, शाम देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है एपिस मेल्फिका। अगर पेशेंट के चेस्ट में पानी भर जाने के कारण स्वेलिंग हुई हो, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही हो, और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका अब अंतिम समय आ गया है और सांस कभी भी रुक सकती है या सांस कभी भी बंद हो सकती है, अगर ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं, वो ऐसा सोच रहा है, तो उस केस में हमें एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह, दोपहर, शाम देना चाहिए। इससे पेशेंट को बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। हमारी फोर्थ मेडिसिन है स्पेडोस्पर्मा। अगर पेशेंट को सांस फूलने के साथ उसे घुटन जैसी महसूस हो रही है, तो स्पेडोस्पर्मा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यह मेडिसिन बॉडी के अंदर खून में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे पेशेंट की सांस फूलना बंद हो जाती है और पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। स्पीडोस्पर्मा का मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिला के सुबह, दोपहर, शाम लेना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है आर्सेनिक अल्बम। वैसे तो इस मेडिसिन को पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को आधी रात में दमा का दौरा पड़ा हो, लेकिन दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ अगर पेशेंट की सांस फूलती है, तो यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस मेडिसिन की 30 पावर 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह, दोपहर, शाम देना लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमारी सिक्स्थ मेडिसिन है डिजिटेलिस। जब पेशेंट की नब्ज बहुत ही धीरे चल रही हो, जिसके कारण पेशेंट थोड़ी दूर चलता है और उसकी सांस फूलने लगती है, उसे बहुत ही गहरी सांस आती है और पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि इसकी सांस आना बंद हो गई है, तो उसे सांस लेने के लिए उठना पड़ता है या बैठना पड़ता है, तो इस केस में डिजिटेलिस जरूर यूज़ करें। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्ट टंग पे देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारी सेवेंथ मेडिसिन है स्पोंजिया टोस्टा। अगर पेशेंट को सूखी खांसी आती है, सांस रुक रुक के आती है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी सांस की नली में किसी ने ढक्कन लगा दिया हो या कैप लगा दिया हो और उसे बंद कर दिया हो, और पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ने के कारण उसकी सांस फूलने लगती है, तो स्पोंजिया टोस्टा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा ही आपके लिए होम्योपैथिक से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।